लिए प्रेशर लगाओगे तो उस प्रेशर का दबाव जो है आपके टाँकों के ऊपर पड़ेगा। तो अगर आपके टाँके के ऊपर वो दबाव पड़ता है तो टाँके खुलने का और टाँके पकने का, टाँके टूटने का जो है इससे खतरा आपको। हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल प्रेगनेंसी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि सिजेरियन के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए और सीढ़ी आपको कब चढ़नी चाहिए, आपको नहाना कब चाहिए ताकि उसके अंदर जो है पस वगैरह ना आए, इसके बाद आपको चावल कब से खाना चाहिए, आपको मसाले वाली सब्ज़ी कब से खानी चाहिए। तो इन चीज़ों का जो है ना आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो है रिकवरी जल्दी से हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता ही है जब हमारे पेट के 6 लेयर को काटा जाता है तब बच्चे को जो है बाहर निकाला जाता है। तो ये जो है बहुत बड़ा घाव होता है और इसकी रिकवरी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मानसून का टाइम है और मानसून में बारिश के दिनों में जो है ना टाँके का पकने वगैरह का भी दिक्कत रहता है। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है अगर आपका सिजेरियन हुआ है और आपको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो सके। क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी यूट्यूब मतलब कि सब्सक्राइबर हैं कि जिनका भी सिजेरियन हुआ है तो मुझे ये वीडियो ज़रूर उनके लिए बनानी थी ताकि उनको जो है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो आपको जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है कि आपका सिजेरियन हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि जब आपको सिजेरियन होता है तो सब्से बड़ी प्रॉब्लम आती है आपको कब्ज होने की। अगर प्रेगनेंसी के दौरान हम सिजेरियन में जो है ना हम चलते फिरते कम हैं जिससे हमको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कब्ज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको फ्रेंड्स कब्ज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी पॉटी जो है वो हार्ड होके निकलेगी और जब आप उसके लिए पुश लगाओगे ना, पॉटी करने के लिए प्रेशर लगाओगे तो उस प्रेशर का दबाव जो है आपके टाँकों के ऊपर पड़ेगा। तो अगर आपके टाँके के ऊपर वो दबाव पड़ता है तो टाँके खुलने का और टाँके पकने का, टाँके टूटने का जो है इससे खतरा आपको बन सकता है। तो कब्ज़ की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपका सिजेरियन हुआ है फ्रेंड्स, आपको गुनगुना पानी ज़रूर पीना है। ठीक है, अगर आप गुनगुना पानी पी ही रहे हैं फ्रेंड्स तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी ताकि आपके पेट की अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाए, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर आप अजवाइन का पानी पीते हैं फ्रेंड्स तो आपकी रिकवरी भी बहुत जल्दी होगी, आपके टाँके की हीलिंग भी बहुत अच्छे से होगी और आपकी कब्ज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर कब्ज हो रही है, अगर आपको ये लगता है कि अजवाइन जो है वो गर्म होती है और ज़्यादा कब्ज होगी तो फ्रेंड्स आप जो है ना सादा पानी ज़रूर पीजिए, बट वो गुनगुना होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये है हाई फाइबर वाली चीज़ें आपको ज़्यादा इंटेक करनी है अपनी डाइट के अंदर, जैसे कि दलिया हो गया, ओट्स हो गया, पपीता हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना, सेब हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना हाई फाइबर वाली चीज़ें हैं जिनको आप इंटेक कीजिए ताकि आपकी कब्ज की प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, आपको ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि आपका जो सिजेरियन हुआ है उसके ऊपर अगर आपको हल्का सा मतलब दर्द हो रहा है ज़्यादा आपको, ठीक है, जो आप सहन नहीं कर पा रहे हो, उसके ऊपर कोई पस आ गई है या फिर ऊपर से कोई पानी निकलता हो आपको महसूस हो रहा है या फिर आपको वहाँ पे स्वेलिंग आ गई है तो आपको तुरंत जो है अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि अगर आप चल रहे हो और मतलब कि बेड से अगर आप उठ रहे हो तो आप किसी का सहारा लेके उठिए या फिर आप अपनी, जब भी आप उठते हो ना तो अपनी नी को नीचे ऐसे बेंड करना है तेज की, मतलब कि कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपका जो पूरा भार है ना वो आपके एल्बो पे आना चाहिए, तभी आपको इसी का सपोर्ट लेके जो है वो उठना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स ये है कि आपको जो है जो टाँके लगे हैं उसके बाद आपको जो है कब नहाना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपको नहाना है
तीन चार दिन बाद तो आपकी तीन दिन बाद आपको ड्रेसिंग को हटा के देखते हैं डॉक्टर लोग अच्छे से कि वो हीलिंग हो रहे हैं टाके या फिर नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आपके चौथे दिन जो है वो डिलीवरी के लिए, मतलब जब जब की डिलीवरी होती है फिर वो छुट्टी दे देते हैं। उसके एक हफ्ते बाद आपको दोबारा बुलाया जाता है, उससे पहले वो जो है ना एक बैंडेड लगाते हैं। फिर एक हफ्ते बाद जब वो हटा के देखते हैं आपके टाके की अच्छे से हीलिंग हो गई, टाके आपके कट गए हैं, तो आपको जो है ना वो वाटरप्रूफ पट्टी जो है वो लगा के भेजते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स नहाना है तो नहाने के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि 8-10 दिन जो है ना, 15 दिन जो है वो नहाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत बारी देखा गया है जो महिला नहा लेती है और नहाने के बाद जब पानी चली जाता है उससे जो है टांके पक जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बारिश का मौसम है तो इस चीज़ में, इस मौसम में जो है ना आपकी हीलिंग बहुत जल्दी नहीं हो पाती है। तो आप जो है ना स्पॉन्ज से अपना शरीर को क्लीन कर सकते हो, और जो भी आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक पाउडर दिया होगा टांके पे लगाने का, ठीक है, तो वो आपको ज़रूर खाना है। और एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो डॉक्टर ने आपको प्रोवाइड करी है तो वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स ये है कि आपको जो है ना, अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो आपको जो है ना विटामिन सी की सप्लीमेंट भी आपको डॉक्टर ने दी होगी, और विटामिन सी आपको इंटेक भी करना है। विटामिन सी के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि विटामिन सी से जो है हमारे टाँकों की हीलिंग बहुत अच्छी से जल्दी से हो जाती है, हमारी रिकवरी बहुत जल्दी होती है और हमारे टाँके जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको विटामिन सी के लिए जो है ना नींबू लेना है, या फिर आप संतरे का जूस पी सकते हो, मौसमी का जूस पी सकते हो, और नींबू को जो है आप दाल में निचोड़ के खाइए, या फिर आप कैसे भी करके नींबू का इंटेक, अपना विटामिन सी को आपको ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये बोलूँगी फ्रेंड्स, हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी चाहिए। देखिए, मेडिसिन से भी ना इतना फ़ायदा नहीं हो पाता है हमारी बॉडी के लिए, हीलिंग के लिए, जितना हमारी डाइट से होता है। ठीक है, तो आपको हाई प्रोटीन डाइट अपनी ज़रूर खानी चाहिए। जैसे कि आप पनीर खा सकते हो, आप मटर खा सकते हो, आप दालें खा सकते हो, तो इसका सूप बनाकर भी आप जो है अपनी अगर डेली लाइफ में यूज़ करते हो तो आपकी हीलिंग जो है बहुत रिकवरी आपकी जल्दी हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स ये है कि आपको सीढ़ी कब चढ़ना और उतरना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, वैसे मैं आपको ये बोलूँगी कि एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद जो है ना डॉक्टर से हम हॉस्पिटल से भी आते हैं तो सीढ़ी भी उतर के आते हैं हम लोग। कभी कभी किसी में लिफ्ट नहीं होती तो हमें सीढ़ी से उतरना पड़ता है, तो सीढ़ी से आप उतर भी सकते हो, चढ़ भी सकते हो। बट मैं आपको ये बोलूँगी, ज़्यादा जब आपको परेशानी हो कि आपको ये काम करना ही है तो आपको ज़रूर उतरना चाहिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं ये बोलूँगी कि आपको अवॉइड ही करना चाहिए सीढ़ी चढ़ना और उतरना। ठीक है, इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि आपको जो है ना बिल्कुल भी प्रेगनेंसी की, अगर अभी आपको डिलीवरी हुई है तो आपको जो है ना तनाव, मतलब कि टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, बहुत सारी महिला क्या टेंशन लेती है कि मैं अपने बच्चे को उठा नहीं पा रही हूँ, मैं दूध कैसे पिलाऊंगी, मैं इसकी केयरिंग कैसे करूँगी, अब मेरा सी सेक्शन हो गया है, घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो हमको मतलब कि चुभने लगती है किसी की बातें, तो आपको सारी बातों को भूल जाना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा सीजेरियन हुआ है, मुझे जल्दी से जल्दी जो है वो कैसे ठीक होना है। ठीक है, इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि मतलब कि अगर आपकी डिलीवरी अभी हुई है हाल फिलहाल में तो आप भारी सामान कुछ भी मत उठाइएगा। सिर्फ आप अपने बच्चे को कैरी कर सकते, उठा सकते हैं, बट अगर आपको जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि हमारे घर में आसपास कोई नहीं होता तो हम लोग उठा लेते हैं, तो आपको जो है ना मतलब कि पेट के बल, मतलब कि पेट के ऊपर दबाव ना पड़े आपके टाँकों के ऊपर, तो आपको जो है ना नीचे झुक के कुछ सामान नहीं उठाना है। कोई मतलब कि जैसे कि अपने बच्चे के ही पोतड़े वगैरह या फिर नेपी वगैरह धोए हैं या छोटे बच्चे के, तो उसके ही मतलब कि बाल्टी उठा के आप छत पे जा रहे हो, तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको जो इससे कि आप नहा रहे हो, आप ठीक हो गए हो बिल्कुल, अगर आप नहा रहे हो तो आप नहाने की बाल्टी को भी नहीं जो है वो उठा सकते हो। ठीक है, खिसका भी नहीं सकते हो क्योंकि इसका दबाव जो है आपके टांके के ऊपर पड़ेगा और टांके कट आपके खुलने के जो है वो चांस हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये है कि आपको जो है ना खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, तो आपको जो है जब खांसी है, जुकाम है और आपको हंसना है तो इस चीज़ से दबाव पड़ता है आपके टांके के ऊपर। तो अगर आपको खांसी आ रही है फ्रेंड्स तो आप टांके के ऊपर पकड़ करके उसको खांसी है, ठीक है, ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। जहाँ पे आपकी किचन है वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन चला के रखिए, जब मसाले वगैरह छुकते हैं उसकी धांस हमको आती है तो हम खांसी करते हैं, तो आपको इन चीज़ों से ही बचना है कि आपको खांसी जुकाम इस मौसम में ना हो, क्योंकि आप छींकोगे, खांसोगे, हंसोगे
तो आपके जो है टाँकों के ऊपर जोर पड़ेगा, तो आपको इन बातों का भी जो है ना ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि तेज मिर्च मसाले वाली चीज़ों का आपको इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप तेज मिर्ची मसाले का इंटेक करेंगे तो इससे आपके टाँकों के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है और आपके शिशु को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दूध के अंदर वही मसाले आपको आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी ताकि आपकी हीलिंग जो है वो जल्दी हो। और 2-3 दिन तक जो है मैं सिजेरियन डिलीवरी के ऊपर ही जो है वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, तभी आपके पास मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा फ्रेंड्स। और मैं आपसे एक और बात बोलना चाहती हूँ, जो पीछे से बैकग्राउंड की आवाज़ें आ रही हैं, तो गलियों में बहुत सारे रेडी वाले आते रहते हैं, आपको पता ही है मैं हाई सोसाइटी में इतनी नहीं रहती हूँ।